हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लड़की या गर्लफ्रेंड को किस कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, किस करते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी लड़की को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हैं, जिससे आपकी पार्टनर आपसे खुश होती है, आपके साथ कंफर्टेबल होती है और जब आप दोबारा उन्हें किस करते हैं तो जल्दी मना नहीं करती है। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ कि लड़की या गर्लफ्रेंड को किस कैसे करें जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल हो और किसको वो पूरी तरह से इंजॉय कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप किसी लड़की को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हैं तो उससे पहले ये ज़रूर जान लें कि क्या वो भी किस करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी मर्ज़ी नहीं है, तो आप किस ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उन्हें किस करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लड़की को ऐसे बहुत परेशानी होती है और वो उन्हें ये लगने लगता है कि आप अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उन्हें किस करो या फिर उनसे रिलेशन बनाए। तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे तो जब आप दोबारा उन्हें उनके साथ किस करोगे तो वो आपसे दूर भागेंगी, मना कर देंगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किस करने से पहले उनकी मर्जी को ज़रूर जानें, उसके बाद ही किस को कंटिन्यू करें। अगला पॉइंट है कि किस करते समय अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि जब वो किसी लड़की को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हैं तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जोश में आ जाते हैं कि वो ना उन पर हावी होने लगते हैं, जिससे लड़की उनके बारे में ये सोचने लगती है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो बल्कि सिर्फ उनसे फिजिकल होना चाह रहे हो, आप सिर्फ उनके जिस्म से प्यार करते हो। तो इस तरह से लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप उन्हें किस कर रहे हो तो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके उन्हें किस करें या फिर अपने प्यार से किस करें, जिससे लड़की आपके साथ दोबारा किस करने में इंटरेस्टेड हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगला पॉइंट है कि जब भी आप किसी लड़की को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हैं तो उस समय सॉफ्ट से बहुत ही सॉफ्ट किस करें, लिप टू लिप किस करें और कुछ सेकंड के लिए रुकें, देखें कि आपकी गर्लफ्रेंड भी या फिर वो लड़की भी रिस्पॉन्स कर रही है तो ही आप वाइल्ड हो, वरना वाइल्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है फिर भी आप वाइल्ड हो रहे हो ना, तो आप समझ सकते हो कि आगे चल के क्या होगा। वो आपसे दूर भागेगी और दोबारा जब आप उन्हें किस करोगे तो उसको अवॉइड करेगी, आपके पास नहीं आएगी या फिर आपसे दूरियां बना लेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लड़की को किस करते समय प्यार से और सॉफ्ट किस करें, अगर लड़की रिस्पॉन्स कर रही है तो ही आगे कंटिन्यू करें। अगला पॉइंट है, लड़की या गर्लफ्रेंड को किस करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने हाथों पर कंट्रोल करके ज़रूर रखें, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि जब वो किस करते हैं तो अपने आप पे ही कंट्रोल करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हाथों पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर टच करने लगते हैं, जो कि लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए लड़की आपके बारे में ये सोचने लगती है कि आप ना उन पर हावी हो रहे हो या फिर हवस से भरे हुए, सिर्फ आप उनकी अपनी हवस निकालना चाहते हो, तो इसलिए लड़कियाँ ऐसा आपके बारे में सोचने लगती है। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है और जब भी आप लड़की को किस करें तो प्यार से हाथों को कंट्रोल करके उन्हें किस करें, जिससे उन्हें अच्छा लगे और दोबारा आपके साथ किस करने के लिए हमेशा राजी रहें। अगला पॉइंट है, लड़की या गर्लफ्रेंड को किस करते समय आप उन्हें नॉर्मल हग भी कर सकते हो, प्यार से हग करो, ज़्यादा टाइट नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो वो आपके बारे में गलत सोचने लगेगी कि आपको उनके जिस्म से प्यार है या फिर आप उन्हें अपनी हवस निकालना चाह रहे हो। तो इस तरह से नहीं करना है, प्यार से हग करें ताकि उन्हें ये लगे कि आप उनसे प्यार करते हो और आप उन्हें अपने से दूर नहीं देना चाहते, आप उन्हें अच्छी तरह से फील करना चाहते हो, अपने पास महसूस करना चाहते हो। तो इस तरह से नॉर्मल हग करके भी आप उन्हें किस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट कि लड़की या गर्लफ्रेंड को किस कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।